धनबाद के पुटकी गोपालेश्वर 2 नंबर स्थित ग्रामीण एकता मंच के केंद्र कार्यालय में ग्रामीण एकता मंच के अध्यक्ष रंजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह के द्वारा झारखंड के वीर सपूत शहीद शशिकांत पांडे की 6वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। मौके पर ग्रामीण एकता मंच के सभी सदस्यगण मौजूद थे। सभी ने सर्वप्रथम शहीद के तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शहीद शशिकांत पांडे अमर रहे के नारे लगाए। तत्पश्चात ग्रामीण एकता मंच के सदस्य जोरापोखर थाना के पास उनके प्रतिमा पर जाकर पुष्प अर्पित किए। वहीं ग्रामीण एकता मंच के अध्यक्ष ने कहा कि धनबाद के लिए ये गौरव की बात है कि हमारे बीच का एक भाई बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ते हुए देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। हम ऐसे वीर सपूत और भाई शशिकांत पांडे को शत शत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वीर अमर शहीद शशिकांत पांडे का हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग उनका पुण्यतिथि और उनके बलिदान को याद करते हैं। जैसे याद करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया कि उनके प्रति हम लोग कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि अपने प्राणों को आहुति देकर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को आहुति दे देते हैं, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि उनके प्रति श्रद्धा भाव से श्रद्धांजलि अर्पण करें। आज 6ठी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं ग्रामीण एकता मंच के केंद्रीय कार्यालय में अमर शहीद शशिकांत पांडे के, जो धनबाद जिले के रहने वाले जोड़ा पोखर निवास स्थान था, और जब ये शहीद हुए हैं श्रीनगर में तब से हम लोग हर एक साल यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। और यहाँ के उपरांत हम लोग अभी जोड़ा पोखर जाएंगे और ये धनबाद और हम लोग के लिए भी गर्व की बात है कि हर एक साल वीर जवान का हम लोग श्रद्धांजलि सभा करते हैं। लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि शायद हमें ऐसा करने का मौका ना मिले कि हमारे देश के लाल शहीद हो और उनका हम श्रद्धांजलि सभा करें। लेकिन फिर भी ऐसे हालात होते हैं, उस परिस्थिति में हम इस प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन दिल खुश होता है कि ऐसे जवान शहीद हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और उन हम लोगों की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दे रहे हैं। तो इनके परिवार से भी खास तौर पर ग्रामीण एकता मंच का बहुत लगाव है। इनके पिताजी आके पूरे ग्रामीण एकता मंच को आमंत्रण करके गए दिए हैं। अभी हम लोग जोड़ा पोखर भी जाएंगे और इसमें और क्या कहें, ये हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि हर एक साल इनकी याद में हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल, तभी तो कोपल कहता है आप रखे किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो।